या आप सब साथ में रहोगे। मैं तो बोल बोल के थक गया कि भैया मान जाए मान जाए मान जाए मान जाए, बट ये मानने को तैयार नहीं है। कब तक? अब वो मेरे को उस बच्ची का भी देखना है, इनका फ्यूचर भी देखना है, तो मैंने डिसीजन लिया है। आज मेरे भाई में मुझे छोटा भाई नज़र ही नहीं आया। सच कहा जाता है कि भाई छोटा हो या बड़ा हो, पर वो पापा की जगह ही होता है, वो हमारे गार्जियन की तरह होता है। इतने सालों की हिम्मत जुटाने के बाद आज जो वादा मेरे भाई ने मुझसे लिया है, वो भी आज के दिन इतने लोगों के सामने, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ उसके मन में चल रहा है, इतना कुछ वो सोच रहा है, जो कि आज वो इस तरीके से बोलेगा। कि हम लोग की सालगिरह, तो ऐसा मेरा और शुभा का मानना है, मैं पर्सनली आप लोगों से और कैमरा सबसे पूछना चाह रहा हूँ मैं और कैमरा मतलब आप लोगों के सामने, ऐसे सबके सामने बोल तो नहीं पाता हूँ मैं, बट मैं एक छोटा सा प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, तो शायद आप सब लोग हाँ बोलोगे तो ठीक है। मैं दीदी से एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि बहुत हो गया अकेला का, जैसे इनने ये ढूंढी ना मेरे लिए, ठीक है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं ढूंढू उनको अपने जैसा कोई अच्छा सा, तो आप सब रह रही हो। हो गया काफी टाइम, बहुत टाइम हो गया, अब इनका भी मन होता है। मैं जानता हूँ कि भी अब ये भी अच्छी से है, क्योंकि आज जब सुबह ने सुबह साड़ी पहनी थी इनकी, तो पहली झलक में मेरे को इनकी झलक दिखी थी, तो हम हो गया। अरे उसका सबसे जरूरी है, तो ये सब ये जो भी डिसीजन है सारे बड़े बुजुर्ग हैं मेरे सामने, जैसे पापा हैं भैया हैं मेरे, सारे बड़े भैया हैं, शुभम भैया हैं, तो ये मेरा मानना है कि एक नई लाइफ स्टार्ट करने का इनको सोचना चाहिए आगे। भाई हम लोग का फर्ज बनता है कि बहुत हो गया अब, कि अब ये आगे कुछ अच्छा सोचे अपनी लाइफ में, और अब इनके लिए अच्छा बेस्ट से बेस्ट हम ला के दें। तो ये तो मैं एक छोटा सा गिफ्ट मान सकता हूँ आपसे, है ना? यस 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 यस। अच्छा, अगर ये हाँ बोलती है उस गिफ्ट के लिए, तो ये जो गिफ्ट मांग रही है उससे मैं उसको देने को तैयार हूँ। चलो बस अब इतना बड़ी बात बोल दी, चलो जल्दी जल्दी। डन करो, पिताजी कहा था, आप बोल रहे हो ना? यस बोल रहे हो ना? यस डन। हेलो यस चिल्लाओ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ सबके सामने ऑन कैमरा, मैं जैसे बड़ी बहन तो इसको मानता हूँ मैं, और मैं अपना बड़ा भाई जो है वो भैया बैठा उनको मानता हूँ, तो जो भी डिसीजन लेता है लाइफ का वो उनसे पूछ के लेता हूँ। मेरा फर्ज भी है कि भैया हम लोग का कि हम अच्छा से अच्छा ढूंढे इनके लिए, बहुत हो गया लाइफ में, अब आगे अब अगर कह रहा हूँ दो बाकी भी है। तो आप सब बोलो इनको ये एग्री कर ले। पापा आप बताओ, पापा आप बताओ, बात करने तो आप ही चलोगे ये और यार। जल्दी हाँ बोलो, जल्दी हाँ बोलो, कैमरे बोलो यार, हाँ बोलो, जल्दी हाँ बोलो, हाँ बोल दो। चलो इनकी तरफ से हाँ है, ऐसे लाऊंगा मेरे सामान बिल्कुल मस्त हैंडसम। वो कहा बिगड़ है आज भी चीनो 21 है ना। लो लो ये इसकी छोटी सी कैसी। सो आज वैलेंटाइन डे है, तो भाई की तरफ से आज भैया भाभी दीदी को हैप्पी वैलेंटाइन डे करेंगे एक छोटा सा मेरा मेन मोटो एनिवर्सरी का यही था, एनिवर्सरी तो हमेशा मनाते रहते हैं हम, कि अब आप सब साथ में रहोगे। मैं तो बोल बोल के थक गया कि भैया मान जाए मान जाए मान जाए मान जाए, बट ये मानने को तैयार नहीं है। कब तक? अब वो मेरे को उस बच्ची का भी देखना है, इनका फ्यूचर भी देखना है, तो मैंने डिसीजन लिया है, तो मैं आगे जब सारे बड़े हैं खड़े हैं यहाँ मेरे साथ, मैं डिसीजन कुछ करेंगे और अच्छा सा पापा असीम पापा अच्छा सा बहुत बढ़िया जल्दी।
हम तुम्हारे साथ बोल दिया भाई बोल दिया। याद रखना ढूंढना चालू करो। अच्छा अच्छा मस्त है बेटा नया मेरे वोट दे दे यार चुनाव का टाइम आ गया तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मामा बोले हाँ कर दो जल्दी बोल बात चिंता नहीं कर डांस चालू करो सब डांस करेंगे फिर खाना खाएंगे वो बंद नहीं करेगा उसकी गारंटी मेरी। चलो डबल सेलिब्रेशन है चलो सुबह। 3 साल हो गए आशीष जी को गए और आप लोगों के सामने उतना ही आता है जितना कि वीडियो में दिखाई देता है। और अगर उसमें भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो काफ़ी लोग उसमें कहते हैं कि आप इतना इमोशनल क्यों होती हो, इतनी अच्छी फैमिली आपके पास है। लेकिन वो फैमिली जब दिन रात मेरे साथ रहती है ना तो वो मेरे अकेलेपन को और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो ऑन कैमरा नहीं होती हैं, आपको हमेशा स्माइल करता फेस, गाता हुआ नाचता हुआ झूमता हुआ फेस दिखाई देता है। या फिर जब मैं रोती हूँ तो वो भी कुछ पल के लिए होता है जो कि जितना वीडियो में कैप्चर होता है उतना ही। पर मेरी फैमिली ने मुझे हर रात रोते हुए देखा है, वो जानती हैं कि मैं किस दर से गुजरी हूँ। और उतने टाइम पर मैं यूट्यूब पर नहीं थी जब ये मेरे साथ हुआ, तो वो जो समय है मैंने कैसे निकाला है क्या किया है वो सब कुछ सिर्फ मेरी फैमिली जानती है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो जानते हैं, मेरे अपने जानते हैं। बहुत टाइम पहले से ऐसा नहीं है कि ये बात आज कही गई है, कितने टाइम पहले से काफ़ी बार मम्मी पापा मेरे जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं कोशिश कर करके हार गए कि एक बार मैं हाँ कर दूँ। क्योंकि सबका कहना है, सबका मानना है कि किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर संभाल सके। और मैं आशीष जी की जगह किसी को नहीं दे सकती हूँ, मेरा हमेशा यही जवाब रहा है कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। ताशी को और अपने आप को मैं पूरे जीवन संभालने की हिम्मत रखती हूँ, उसकी किसी भी कमी को अधूरा नहीं रखूँगी, सारी जो भी वो चाहती है उसकी सारी ख्वाहिशों को मैं पूरा करूँगी। एक कमी जो है वो मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, जब वो पापा वर्ड बोलती है उस जगह मेरी हिम्मत टूट जाती है। वो भी स्कूल जाती है, बाहर निकलती है, जब किसी को देखती है तब वो एक ही सवाल करती है कि मेरे पापा कहाँ हैं। और एक माँ ना सब कुछ झेल जाती है, बस वो अपने बच्चों से हार जाती है। आज मेरे साथ में भैया भाभी हैं, मम्मी पापा हैं, मेरी पूरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। कल को मेरे जो भैया भाभी हैं वो भी मम्मी पापा बनेंगे, उन पे भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से एक उसके मन में रहे कि नहीं यार मेरे लिए ताशी पहले है और मुझे ताशी का पहले करना। वो करेगा, वो पूरी ज़िंदगी करेगा, उसके जैसे मामा होना बहुत भाग्य की बात है। लेकिन मामा मामा होते हैं और पापा पापा ही होते हैं। आशीष जी की जगह ताशी की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं। क्योंकि वो जैसे इंसान है ना, तो मैं तो जितने साल उनके साथ रही हूँ वो मेरे लिए खुशकिस्मती है मेरी कि मैं इतने साल भी उनके साथ रही हूँ। ताशी को देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, पर वो सब कुछ चलता है मन में। और बस वहीं जाकर मैं निशब्द हो जाती हूँ, वहीं जाकर मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। जितना मुझे मेरे भाई ने जाना है ना, उतना दुनिया का कोई इंसान मुझे नहीं समझ सकता। क्योंकि वो कभी मेरे सामने नहीं रोया, बहुत कम ऐसा हुआ है कि मेरे भाई ने मेरे सामने आंसू बहाए हों या फिर मैं उसके सामने रोई हूँ। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके सामने मैं इतनी कमज़ोर पड़ जाऊँ ना कि वो खुद भी हार जाए। बहुत कम ऐसा होता है कि हम घर में एक दूसरे के पास बैठ कर कभी अपने दिल की बात कहकर रोए हों, नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हम ऐसा नहीं करते हैं। पर वो जानता है कि क्या चल रहा है मेरे मन में, क्या चल रहा है। उसका कहना एक ही है कि आपका कौन सा अपना कब बदल जाएगा, भरोसा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत चोट खाई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज आपके पास ये व्यक्ति है, कल आपके पास नहीं होगा, तब आप क्या करोगी दीदी? आप अकेली रह जाओगी, तब आपके पास कौन होगा आपको संभालने के लिए, ताशी को संभालने के लिए? और कहा जाता है ना कि ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ तो उसने भी सोच रखा होगा। जो भी वो आपके लिए करेंगे वो बेहतर से बेहतर ही करेंगे। और सबसे पहले हमें ताशी के बारे में सोचना है। आप अपना सिर्फ नहीं सोच सकते हो, आपको उसके बारे में सोचना है कि उसके साथ भी कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसके सिर पर हाथ रख कर बोले कि ये मेरी बेटी है। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है
कि अगर आप सिंगल मदर हो तो लोगों की उंगलियां बहुत जल्दी उठती हैं। अगर आपके साथ कोई खड़ा हुआ है ना तो 10 बार इंसान सोचता है आपके बारे में कुछ बोलने के लिए, लेकिन अगर आप अकेली औरत हो ना तो इंसान उंगली इतनी जल्दी उठा देता है, कोई भी स्टेटमेंट इतनी जल्दी आ जाता है क्योंकि आप अकेले हो। ये हमारे समाज की मानसिकता है जिसको हम नहीं बदल सकते। आज ये मेरे साथ हो रहा है ना, कल को ये मेरी बेटी के साथ होगा। आज ये मेरे पे ब्लेम करेंगे तो कल मेरी बेटी पर भी करेंगे, क्योंकि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है और ये मैं होने नहीं दे सकती हूँ। कभी कभी ना ऐसा महसूस होता है कि हमने समाज को नहीं बनाया है, समाज हमें बना रहा है। जैसा वो चाहता है वैसे हमें बनना ज़रूरी है। मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन कुछ जगह पर जाकर अगर मैं जवाब भी देती हूँ तो उस बात को सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा नहीं भरोसा है, क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूँ सिर्फ इसलिए। और ये कितनी भी कोशिश अगर मैं अकेले होकर भी करूँगी ना तो मैं नहीं बदल सकती, मैं पूरे समाज को नहीं बदल सकती हूँ। जो उनकी सोच है, जो उनका रवैया है, जो मानसिकता है, वो वही रहेगी। और ये मैंने बहुत सारी चीज़ों से सीखा हुआ है और यही मेरा भाई हमेशा मुझसे बोलता है। मन की हर बात तो हम नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शायद हम बोलने में ना बता पाएं। तो अपने मन की बात को किसी भी तरीके से हम अपने अपनों तक पहुंचाते हैं। तो कुछ इस तरीके से भैया और भाभी ने जो भी उनके मन में चल रहा था वो शेयर किया मेरे साथ में। मैं चाहती हूँ कि ओरिजिनल वॉइस में ही आप तक पहुँचे, ताकि आप भी उस पल को शायद महसूस कर पाएँ जो हम महसूस कर रहे थे। मन की बात को कह देना बहुत आसान है, उस बात पर अमल करना मुश्किल है, और अमल करके उस रास्ते पर चलना ये बहुत बहुत मुश्किल है। ये हमारी लाइफ की चुनौती होती है, जिसमें अगर हमारा परिवार साथ है, अगर आपके पास कुछ ईमानदार रिश्ते हैं, आपके अपने हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जिस इंसान पर बीतती है ना, जिस परिवार पर बीतती है ना, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बोल देते हैं, लेकिन जो फैमिली इस दर्द को जीती है ना, सिर्फ वो समझ सकती है। ईश्वर किसी भी परिवार को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को या किसी भी औरत को ये दिन ना दिखाए, क्योंकि बस उसकी ज़िंदगी में ना अगर कोई तकलीफ भी आ रही है ना, तो ईश्वर ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार, ऐसे अपने, ये हर औरत डिज़र्व करती है। और मेरी जैसी तो हर औरत के पास में ऐसा परिवार होना चाहिए। मेरे परिवार ने हर तकलीफ में मेरा साथ दिया है, और इनके साथ की वजह से ही आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो मैं अब ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि जो भी होगा वो मैं अपना फ़ैसला खुद लूँगी, मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है। नहीं, मेरी ज़िंदगी पर, ताशी की ज़िंदगी पर, हम दोनों पर, मेरे परिवार का भी उतना ही हक बनता है, उतना अधिकार बनता है कि वो हमारे लिए फ़ैसले ले सकें। आज मैं इतना निश्चिंत होकर ताशी को घर छोड़कर जाती हूँ, चाहे मैं बुटीक जा रही हूँ, चाहे मैं बाहर जा रही हूँ, शहर से बाहर जा रही हूँ, इवेंट पर जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो मैं निश्चिंत होकर किसके पास अपनी बेटी को छोड़कर जाती हूँ? मेरे परिवार के पास। तो आज अगर वो उसका ध्यान रखते हैं, तो अगर वो कोई फ़ैसला ले रहे हैं, तो मुझे उस बात पर अमल करने की ज़रूरत है। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर उन्होंने मेरे लिए किया है तो मैं भी उनकी बात को समझूं, सुनूं। और बार बार मैं किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन मैं किसी भी ऐसी कोई बात जो आप मुझसे बार बार करें और उसका मैं जवाब दूं, ये मैं नहीं चाहूँगी। जो भी फ़ैसला होगा वो मेरे परिवार के द्वारा लिया जाएगा, जैसा मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए सही होगा वही किया जाएगा। मेरी ज़िंदगी मेरी है ही नहीं, उस पर उनका अधिकार बनता है जिन्होंने एक बार मुझे जन्म दिया और एक बार मुझे ज़िंदगी दी। जब भी मम्मी पापा ये सोचते हैं ना कि हमारे बाद इसका क्या होगा, तो उनका सोचना गलत नहीं है। मैं इस जगह उनको गलत नहीं बोल सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा, भैया, भाभी मुझे पहले की तरह देखना चाहते हैं, जैसे बाकी लोग रहते हैं वो भी चाहते हैं कि मैं वैसी ही रहूं। एक माँ का दिल कितना तड़पता है ना, वो उसका एहसास मुझे भी है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी ताशी की खुशी के लिए जी जान लगाती हूँ। तो आज मेरे मम्मी पापा अगर मेरी खुशी चाहते हैं, एक माँ अगर अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, पहले रूप में देखना चाहती है, तो वो गलत नहीं है। माहौल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था उतने टाइम के लिए, तो उसको नॉर्मल करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे भैया भाभी ने अपने इतने स्पेशल डे पर अगर मेरे लिए सोचा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके किसी खास दिन को ख़ास ही रखूं, उनके लिए ये दिन हमेशा यादगार रह जाए। तो वो अगर मेरे लिए जीते हैं तो मुझे भी मेरे परिवार के लिए जीना ज़रूरी है। कुछ बातें हम ऑन कैमरा नहीं बोल पाते हैं, वो हम इस तरह से वॉइस ओवर देकर ही बोल सकते हैं।
तो जितनी भी मेरे मन में हलचल थी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी, और जो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं बार बार आपके साथ में इस टॉपिक पर बात करूँ, बस जैसा भी होगा अच्छा होगा, ये सब कुछ मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, कुछ तो उन्होंने भी मेरे लिए सोच रखा होगा। गरीबों वाली हरकतें कभी नहीं छोड़ेंगे, कहीं बैठेंगे। ये सचिन भैया का खाना भी अपनी प्लेट में लेकर आइए, बोल रहे हैं वो सब में से खाएंगे थोड़ा थोड़ा। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये मेरा प्लेट बचाएंगे, ये मेरा पैसा बचाएंगे, प्लेट पैसा पैसा एक ही प्लेट में एक प्लेट का पैसा बचा, एक प्लेट का पैसा प्यार बढ़ेगा। पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए अरे तो बोलता रहा लेट ना, यहाँ पे किसी चाहिए कि मैं भी आई थी, मैं लेट हो गई लेकिन आने में। ये देखो यहाँ पर बाबर फोटो चाचू के साथ, चाचू के साथ में मनीषा की एक भी फोटो नहीं है, तो चाचू ने बोला एक फोटो चाहिए भाई। इतना अच्छा लगा, कम से कम चाचू को याद है। अरे इधर वो मोबाइल तो, अच्छा इधर, अच्छा 1 2 3 गो। यस पापा कैसा लगा आपको, किधर गए पापा, पापा कैसा लगा आपको? क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी क्या कहते हैं खुशखबरी भी मिली, आगे की प्लानिंग है। वो तो भी देखना ही है ना, वो कैमरे में बोल रहा हूँ, आप लाइफ पार्टनर की जरूरत है बाबा, समझा करा था। दीदी का, दीदी कहाँ है? ताशु अंदर है। और भैया कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत हमको बहुत अच्छा लगा, खुश रहे बेटा। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप आए इतना समय निकाल कर। बहुत समय है हमारे पास, मैंने कहा जीरू, मैंने कहा बहुत समय निकाल कर आए, फिर बहुत समय है मेरे पास। और आपके साथ की वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूंगी जो आपने मुझे। कोलाबरेट भी कर देना, वीडियो पोस्ट कर देना, कोलाबरेट भी कर देना। तो इसने मेरे को वैलेंटाइन डे पर पहला गुलाब इसी ने दिया, पहले मैंने दिया था तुमसे पहले, हाँ इसने दिया मेरे लिए, लेके आया स्पेशल मजे ले रहे यार बार बार। ये हम भी अगर बच्चे होते। भाभी किधर है मेरी पगली भाभी? पीछे इतना महंगा है मेरा रेट, 10,000 भाइयों को 700 रुपए मिलते, 10,000 मिल रहा है, बताओ यार। तो मजा बहुत आया, कैसा लगा बेटा? नाम बता दे बेटा, नाम भारती, भारती नाम है इनका, इंडियन 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 भारती इंडियन होते हैं। क्या दीदी कैसा लगा दीदी आपको यहाँ आकर? बहुत बहुत अच्छा, हमें बहुत गुस्सा आई थी पहले आपके ऊपर, आप बहुत लेट आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने खुशी के आगे आपको आपकी गलती को माफ किया। हमको बहुत, आज हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि हमको बहुत अच्छा सुनने को मिला। दीदी पहले लागू ये देखो, ये हमारा आंखें इतनी अच्छी लगी कि हमारा हाथ जन्म जन्म नहीं निकला न मिलते इस दुनिया में, लेकिन जन्म मिलते कुछ भी है, फीलिंग समझो, फीलिंग समझो, मेरी लाल फूल के लिए गुलाब का फूल। मैं बोलती हूँ, मैं इसको बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल सकती हूँ, म्यूट कर दे ये वजह, मेरे ब्यूटीफुल बच्चा है ओ चिंकी दीदी, बोल बच्चा, बाय बेटा, बहुत अच्छा लगा बेटा, आ जा थोड़े दिन मेरे पास रुक बेटा, जल्दी आ जा मेरा लल्ला, गई है ना थोड़ा सा साइड प्लीज, जब से यहाँ से गई है ना
मैंने नेहरू नगर जाना छोड़ दिया है, पूछ लो उससे। मैं नहीं जाती, कम जाती जब ये रहती है, मैं तभी जाती हूँ। चलो इसी बात पे कल आ जाना, कल आ ही जाना। इन लोगों को विदा करना है, मेरे जाने से पहले आ जाना इन लोगों को। मैं कल 2:30 बजे तक चलो चलेंगे, ठीक है, मिलने जाएंगे। बहुत अच्छा लगा तुम इतनी दूर से मान लिया। एक पता लगा, थैंक यू सो मच। लाल परी मैं बस 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 हम निकल रहे हैं, बाय बाय जा रहे हैं। डांस डांस करो वाले लाल परी डांस डांस करो। पूरा वैलेंटाइन डे बन रहा है ये। दीदी हैप्पी वैलेंटाइन। थैंक यू। आग लगी सुंदर है ना, सच में बहुत सुंदर है। इसका नाम क्या है? अच्छा ये आज भाई है, आज पहचान में नहीं आ रही ना। कोई बात नहीं, लड़की मेरी है वो बहुत थोड़ी अच्छी हो गई है। तारीफ है क्यों, क्यों इतनी तारीफ है? मैं उल्टी हो गई है ना, वो खिला खिला के मैंने उसको मोटा किया है। अब चाय को मैं खाना नहीं देती। जो कैमरा पकड़ी उसको भी देख ले यार, साइलेंट है यार। कुछ नहीं बेचारी, साइलेंट खड़ी, कुछ बोला नहीं। आप ऐसे ही खड़े हो जैसे अभी आप खड़े थे। क्यों? अच्छा मेरे दोनों भाभी साथ में खड़े हो, दोनों भाभी साथ में खड़े हो। ऐसे मत करो, मेरी शादी हो जाए उससे पहले मुझे सुख दे दो प्लीज। मौसी बनने का नहीं, ये तपस्या नहीं चाहिए मेरे को मेरी शादी में। सबसे छोटा आए कोई चलो ब्लॉग पे एंड करेगा, मनीषा एंड करेगी। ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं, ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं। कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती करी सरप्राइज। सच में सरप्राइज का तो बहुत ही अल्टीमेट। लेकिन ट्रेन का वीडियो देख के मेरे को ऐसे हिंट हो गई थी। हाँ, लग जाते हैं ये लोग जब भी अगर सरप्राइज देते हैं ना तो मेरा फोन नहीं उठाते, मुझसे बात नहीं करते क्योंकि ट्रेन की आवाज आ जाती है। तो मेरे को इससे थोड़ा सा हिंट हो रहा था कि हाँ शायद शायद यहाँ। लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। दिनों के बाद आशीष से भी मिले वैसे, चिंकरी से तो। और ऐसे टाइम ऐसे हम लोग जाते हैं इवेंट वगैरह में, लेकिन वहाँ ऐसा होता है ना कि पर्सनल वाला टाइम नहीं मिल पाता है। अभी मिला बहुत टाइम और स्पेंड किए। अभी और टाइम मिलेगा क्योंकि इनकी जो ट्रेन है वो सुबह सुबह है, तो और टाइम मिलेगा। आप लोग देखिएगा, बाकी रहने देते हैं मस्ती वाला व्लॉग, आप लोग भी देखिए, खूब सारा एंजॉय कीजिए। रहने देते हैं इस व्लॉग को यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिए चिंकी दीदी को और साथ में हमको भी। ओके बाय बाय।